प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत 2 वर्षों से लगातार अपने दिन की शुरुआत पौधारोपण के साथ करते आ रहे हैं। उनका यह प्रयास धीरे धीरे जन अभियान का रूप लेता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिदिन काम करने वाले वह देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जिनके पीछे उनका उद्देश्य स्पष्ट और साफ है कि पर्यावरण को बनाए रखना है और उसका संरक्षण करना है, ताकि मध्य प्रदेश में हरियाली की कोई कमी ना रहे और वर्तमान और भावी पीढ़ी को शुद्ध और साफ वातावरण मिल सके। परंतु गंज बासुदा में तो कुछ और ही हो रहा है। दिन दहाड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, ना कोई परमिशन ना कोई वजह। मैन रोड के पेड़ों को काटने का क्या तात्पर्य होता है? वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि ये पेड़ क्यों काटे गए हैं, वहाँ के खुद लोगों को भी नहीं पता। और सभी लोगों का कहना है कि इन पेड़ों से कई फायदे थे। धूप में छांव की पूरी व्यवस्था रहती थी। जनपद से सटी हरदू खेड़ी ग्राम पंचायत के काली पठार क्षेत्र मार्ग पर लगे वर्षों पुराने हरे भरे वृक्षों को बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा काट लिया गया और ट्राली में भरकर ले गए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। रोड किनारे लगे पेड़ों को काटने का मामला आया है, तो ये कौन है? मतलब कि आपके पंचायत से अनुमति दी गई थी क्या हमको? नहीं, ऐसी पंचायत से कोई अनुमति ना हमारे यहाँ से गई है ना किसी ने दी है, क्योंकि कल ही हमने अपने चौकीदार और जो भी हमारी पंचायत की जो टीम थी उसको भेजा है। कोई गुलाब सेट करके उनका खेत है, उनसे उनका संपर्क किया, आज का समय दिया है तो उनसे संपर्क करके उन्होंने ही कटवाया। कोई चोरी वोरी तो ऐसे नहीं करता, उनने कटवाया। अब उनने किससे कटवाया है ये जानकारी शाम से क्लियर हो जाएगी। तो वो पेड़ तो सरकारी संपत्ति पर लगे हुए थे, तो उन्होंने किस आधार पर कटवा लिए? क्योंकि वो जो खेत है वो 20 से 30 साल पुराना खेत है और उनकी जो पट्टी गड़ी है वो उन्हीं के बगल में वो पेड़ लगे हुए थे और उनके खेत के अंदर में भी थे और बाहर भी थे, तो अंदर के साथ साथ बाहर के 2-4 जो भी पेड़ है वो भी काट लिए गए। तो वो एक गलत है, उन्हें पूछना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए संबंधित विभाग से या हमारे पंचायत क्षेत्र से। आप यहाँ के सरपंच हैं, आपका ये कहना है 2-4 पेड़, 70 साल पुराने पेड़ जो वहाँ लगे थे, करीबन 20 से 25 पेड़ हैं, और आप खुद वहाँ देखने जाइए ना, आपको देखने का हक नहीं होता है क्या? आप वहाँ देखिए, निरीक्षण करिए, और आपने खुद कहा था मैं लिखित कार्रवाई के लिए आवेदन दूंगा, आपने आवेदन दिया क्या? देखो, आवेदन देने के लिए हमने अपने सचिव महोदय को भेजा था। अब चूंकि क्या है, इनको सुहाव नहीं मिले या वहाँ कोई नहीं मिल पाया, कोई इशू आ गया, चूंकि मैं कल बाहर था तो आज मैं जाके अभी मेरी अभी बात हुई है कि सुहाव से मिल के और कार्रवाई कराएगी। आवेदन नहीं उनसे फिर कार्रवाई करने का बोलेंगे, आवेदन दे के चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। अभी क्या लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी, हर दिन हर हरा पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी ओर जो है ये हरे पेड़ काट रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं बनती है क्या? देखो, लोगों को काम है काम बिगाड़ना, पर हमारा और हम सबका काम है काम को बनाना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको रोके, और एक बहुत अच्छी पहल है। और बहुत, मैं तो ये मानता हूँ आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन और पत्रकार भी है और आप छापेंगे कि भाई पेड़ क्यों काट रहे हैं, और काट रहे हैं तो संबंधित विभाग से आप अनुमति लें, क्योंकि आपने जब लगाया नहीं है तो आपको काटने का हक नहीं बनता है। आपकी पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति के पेड़ लगभग 2 दर्जन से अधिक काटे गए हैं, तो क्या थाने में जाकर इन काटने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कब करवाई जाएगी आपके द्वारा? आज ही हम जाएंगे, अभी 2 घंटे बाद सबने बुलाया सामने, क्योंकि हम क्या है अभी मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी चल रही है, योजना चल रही है लाइटली वेला योजना, उसमें लगी है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। अभी क्या परसोरा हमारा कैंप था और भी कुछ निर्माण कार्य संबंधी भी लगी रहती है और भी कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि हम बहुत व्यस्त थे इसलिए हमका कल हम समय नहीं दे पाए। सरपंच साहब, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।